उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आ रही, गुरु नानक जी की जयंती शांति पूर्वक मनाई गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। गुरुद्वारे में बनाई गई कोरोना काल को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला गया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया और गुरुद्वारे में सुबह से शाम तक लंगर चलता रहा, गुरुद्वारे में कीर्तन होता रहा। आइए डालते हैं हमारे ब्यूरो चीफ बहराइच साई सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। बहराइच में तो गुरुद्वारा सिख का है, यहाँ पर कराया जा रहा है, प्रोग्राम इनके आगे है। आइए गुरुद्वारे के अंदर ये जो है, आइए देखते हैं। चप्पल उतारी प्रधान जी, कहाँ हैं आप? आप पाकिस्तान में जो आप जाते हैं वहाँ पर, तो वो उसकी मज़ार है या क्या वहाँ पर है? वहाँ पे मज़ार कोई नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है करतारपुर साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जब खेती करते हुए व्यतीत किए। और वो चूँकि गुरु नानक देव जी जगत गुरु थे और उनको हिंदू भी अपना मानता था और मुसलमान भी अपना मानता था, तो जब उनका दर्शन हुआ, जब वो ज्योति जोत समाये, तो मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उनकी जो अस्थियों का फूल थे, कुछ फूलों का उन्होंने वहाँ पे अपनी कब्र बना ली और कुछ हिंदू लोगों ने जहाँ पर खेती करते थे वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया, जहाँ आज करतारपुर साहब कॉरिडोर के नाम बहुत बड़ा गुरुद्वारा स्थापित है। भारत की पूरी जनता और सिखों का विश्वास है, लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। आप जिस तरीके से आप यहाँ पर लंगर होता है, तो ये कई दिन में काम करते हैं, कई दिन चलता है, एक घंटा एक बार होता है? लंगर की परंपरा की बनाई हुई है, उन्होंने जगह भी वो जाते थे, सबसे पहले वो लंगर चलाते थे, उन्होंने सौदा किया था, छोटे थे तो उनको उनके परिवार में उनके पिता जी ने उनको भेजा था कि आप जाओ और कुछ व्यापार करके दिखाओ, तो वो समय के बीच पर देखे भेजते हैं और वो जब अपने साधु संतों को देखते हैं, उन्हें लंगर उनके बढ़ा दिया था कि इससे बड़ा सौदा या इससे बड़ा व्यापार कुछ नहीं हो सकता। तो ये उनकी चलाई हुई परंपरा है। वैसे तो हर गुरुद्वारे में रोज आने वाले लोगों के लिए टाइम निश्चित है कि वहाँ पर हम अपने बच्चों को लंगर सुबह और शाम कराएंगे, लेकिन विशेष तौर पे जब ये आयोजन होते हैं तो इनमें जितने दिन का आयोजन होता है, जैसे ये आयोजन हमारा सितंबर से चल रहा है, ये 9 सितंबर से अक्टूबर से हमारा कार्यक्रम शुरू हुए हैं जो आज समाप्ति की ओर है, ये 9 अक्टूबर से परंपरागत रूप से रोज इसमें अटूट लंगर चल रहा है। आप क्या सुना है इस तरह की, क्यों जैसे कोई परदेसी यात्री आ जाए और उसको ठहरने की जगह नहीं है तो ठहरने की जगह भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, ऐसा सच है ये बात? बिल्कुल सच है, हमारे यहाँ कमरे बने हैं। हम पहले रहायश की बात करते हैं, लोगों के रहने सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था, सिख का मतलब ही शिष्य है और सेवा से उसका ये समाज ही सेवा के लिए बना है, तो पहले हम सेवा भाव से सेवा करते हैं, उसके खाने पीने और रहने सबकी व्यवस्था। जब कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता, हम सबसे पहले कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा, सबसे पहले सिख वहाँ पहुँचते हैं, चाहे अभी लॉकडाउन की व्यवस्था रही हो चाहे जो, सब समय हम लोगों ने लंगर चला के सबसे व्यवस्था करके और सबकी सेवा मिलते हैं। तो जो आप क्या है, रात में अगर कभी कोई यात्री आ गया और भूखा हुआ तो खाना और क्या रहने का ठिकाना मिलता है, क्या उसका किराया वगैरह भी कुछ देते हैं? नहीं, कोई किराया नहीं, ये सब निःशुल्क है, ये गुरु नानक देव जी की महान कृपा है, ये उनके शिष्य सब लोग फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं। अच्छा, आपके
ये अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है जो आपके गुरु नानक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को किस कितनी देर तक के आप लोग जो है उसकी मुच्छर उस पर झला करते हैं और कब तक ये खुला रहता है आपके दरबार में? गुरु ग्रंथ साहब को जैसे हमारी देह होती है ऐसे ही उसको भी एक देह माना गया है। हमारे यहाँ 10 गुरुओं के बाद प्रगटपुरा की गोद कह के गोविंद महाराज ने इनको अपना गुरु का दर्जा दिया कि इसके बाद कोई देहदारी गुरु नहीं होगा, लेकिन हमारा गुरु और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे रखी है कि ये देहदारी गुरु की तरह है और जीवित इनको माना गया है। इसलिए जैसे हम सोते हैं और हम जागते हैं ऐसे ही इनका भी सुख्यासन होता है, इनका भी सुबह के समय प्रकाश होता है। ये सेवा निरंतर चलती है और कोई इसका समय स्थित नहीं, 10 बजे 9:30 कहीं 10 बजे कहीं 9:30 कहीं 8 जैसे जहाँ की व्यवस्था होती है उस हिसाब से सोने की व्यवस्था जिसको हम प्रकाशन करते हैं ऊपर इनका चयन वो है। आपका जो है गुरु नानक जयंती जब आप लोग मनाते थे तो बहुत बहुत जुलूस निकलता था और उसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे, दुआ कहाँ कहाँ का बनिया थे, काफ़ी दूर पलिया लिया से दूर से आते थे। अब कि इस तरह से नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से कोई मनादगी रही, आप लोगों ने खुद नहीं निकाला? सरकार की तरफ से मनादगी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो वैश्विक महामारी COVID-19 चल रही है तो हम लोगों का भी ये फर्ज है, जहाँ सरकार हम लोगों के लिए लगी है तो हम लोगों का भी ये फर्ज है कि सरकार के साथ खड़े होकर, कहीं गुरु ये नहीं कहता, कहीं धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी महामारी में अपनी संगत को या अपने लोगों को वो कर दीजिए। हम किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने, सबने हमें सपोर्ट किया। हमने 10 दिनों तक प्रभात फेरी के रूप में नगर कीर्तन निकाला। आज एक जो भव्य शोभा यात्रा नहीं थी उसका हमें मलाल जोर है, लेकिन आने वाले विगत अप्रैल में जो तेग बहादुर साहब महाराज का 400 साल का उत्सव आ रहा है जिसपे हम भव्य तरीके से जो कमियां रह गई हैं उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपका आज आखिरी दिन है, ये आज समाप्त हो जाएगा, ये 10 बजे तक के लगभग 12 बजे तक के। अच्छा, उसके बाद में फिर ये रोजाना तरीके से जिस तरह चलता है पूजा होती है उस तरीके से पूजा अर्चना सब चलती है। अच्छा, और आपके कोई यहाँ और कोई योजना किसी तरह की कोई लोगों के लिए खास संदेश देना क्या चाहते हैं आप? लोगों के लिए संदेश है, लोगों को सेवा भाव में जुटना चाहिए। अमीरी गरीबी भेदभाव जो गुरु नानक देव जी महाराज ने खत्म किया, हम सब उसी पर चल रहे हैं। हमारे नौजवान लड़के, नौजवान पीढ़ी सब इसी पर चल रहे हैं। हम लोगों ने गुरुद्वारों को सैनिटाइज किया, हम लोगों ने लोगों के घरों को सैनिटाइज किया। किसी पे अगर लॉकडाउन की व्यवस्था रही उसमें हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों के दवाइयाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो सब नौजवान लड़के अपने जो हमारी परंपरा रही है उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं और यही संदेश है कि लोगों को लोगों के काम आना चाहिए। बोले सो निहाल, गुरु नानक जयंती के बारे में हमने जानकारी करी, आपसे जानकारी करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ के जो चीज़ें थी बताई कि गुरु नानक जी हमेशा जो है लोगों के गरीबी अमीरी का भेदभाव खड़ा करके कोई जात पात का वो नहीं रखा उन्होंने और सबको एक डोर में बांध के चले हैं। तो ये तो संदेशा जो था आपका ये पूरे देश में गुरु जी ने फैलाया और गुरु नानक जी के इस संदेश से तमाम लोगों ने फायदा उठाया। एक और बात करना चाहते हैं जो इससे हट के है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से किसानों के साथ ये जो सलूक हो रहा है, जो पूरे आतंकवादी कह दिए गए और उनको जो है इस ठंडक के अंदर गैस के गोले छोड़े गए, उन पर बौछार पानी की करी गई, उनको रोका गया। लास्ट में आज हमें ये भी समझ में आया है, आया मोबाइल के ऊपर कि उनको दिल्ली जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। तो इससे इसके बारे में आप किस नजरिए से इसको देखते हैं और जो उनके साथ अत्याचार हुआ है कि ज़बरदस्ती उनको रोका गया और उनके मांगे किसानों की ख़त्म करी जा रही हैं, उनके मांगों को जो सरकार ने अपना कानून बनाया MSP को ख़त्म नहीं कर रहे हैं और तीन चार उनकी जो मांगे हैं, तो इसके बारे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, अगर आप इसको केवल सिक्कों से जोड़ देंगे तो ये देश के साथ और देश के किसानों के साथ एक आपकी वो होगी, लेकिन फिर भी नहीं है, ये पंजाब खाली चला है, खाली किसानों के साथ किसानों का मैंने नाम दिया है, कोई सरदारों का या किसी सिखों का नहीं है, ये तो सभी का अनाज सब खाते हैं। बिल्कुल, और जो खाते हैं तो किसान तो अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता के लिए सिख जहाँ पर होता है सिखों को सबसे ज़्यादा अन्नदाता के रूप में देखा जाता है। पंजाब हमारा जहाँ भी है वो केवल कृषि प्रधान ही प्रदेश है और सिखों का एक रूप किसान के रूप में भी बहुत है। और सिख जहाँ चलता है ना, फिर ये बर्फ़ के गोले और पानी के गोले और
तेग बहादुर साहब के शिष्य हैं जिनको चांदनी चौक पर चुनवा दिया गया था। उनके देह के ऊपर खोलती हुई बालू डाली गई और ढेर डाली गई, तो हम लोगों के ऊपर इसकी फर्क नहीं, हमको सरकारें नहीं रोक पाएंगी। हमको बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी हम बैरिकेड तोड़ते हुए और दिल्ली की तरफ, सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा। किसी तरीके की कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं, वो किसान वो सिख उसमें कोई अराजकता नहीं फैला। दिन भर जिनको उनके ऊपर लाठी चलाते हैं, शाम को वही सिख जब अपने लिए लंगर बनाते हैं तो उन्हीं के लिए उसी में से परोस के उनको भी लंगर चखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बचपन आप लोग का है और इसके बारे में तो पूरे देश में तारीफ होती है। CAR NRC सब जगह लगा दिल्ली में, आपने वहाँ भी शाहीनबाग में आपने पहुँचाया, वहाँ पे लंगर कराया, वो आपने किया। आपका वो एहसान और आपके वो कार्य जो है वो उसकी सभी जगह देश विदेश तक के आपकी तारीफ करी गई है। लेकिन यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो जिस तरीके से आंदोलन जा रहा है कि आइए आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? आंदोलन चलेगा, किसानों के हित की बात है जहाँ तक, हम लोग भी उनके साथ हैं। अगर हम लोग को भी जाना पड़ा, लंगर की व्यवस्था करनी पड़ी, हमारी दिल्ली गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी जो कि खुद BJP के विधायक हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, वो स्वयं सबको पार्टी से अलग होते हुए उन्होंने जाके वहाँ पे लंगर पहुँचाया। तो हम लोग लंगर की व्यवस्था के लिए हैं, बाकी उनकी मांगे वो सरकार है और किसान है वो कहाँ तय करते हैं ये उनको तय करना है, लेकिन हम उनके साथ हैं। उनके साथ किसी तरीके अभी ऐसी कोई चीज तय नहीं हुई है ना, अभी उन्होंने कोई मांग की गई है, ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग बैठ के तय। जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग जा सकते हैं? जरूरत पड़ी तो हम समाज और देश के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। हाँ, ये जानकारी चाहिए, इतना आपने सब कुछ हमें बताया और ज्ञान दिया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। आपका शुभ नाम क्या है? मनदीप सिंह ग्वालिया। और कहाँ के रहने वाले आप? इस महीने में कहाँ पर रहते हैं? मोहल्ला अकबर का रहता हूँ, हिमाचल कार्य के बगल में। बहुत बहुत बहराइच से हंगामा टाइम्स न्यूज़ से शाहिद सईद खान बोल रहा हूँ।